हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज की शुरुआत करते हैं किचन के साथ, क्योंकि आज रेसिपी ही कुछ ऐसे बनने वाली है, वो भी मम्मी के कहने पर। आज सब्जी में बनने वाला है दोपहर में कोफ्ते की सब्जी। आपने सुना हमारे यहाँ पर तो सब में कोफ्ते बोलते हैं ना, कोफ्ते की सब्जी, मतलब दूधी के पकौड़े बनाऊंगी और बाकी इसकी ग्रेवी बना के मिक्सचर में उसका तड़का, मतलब थोड़ा रसा जैसा कुछ रखना होता है। बाकी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मम्मी के कहने पर टेस्टी बनेगी, ये नहीं मुझे खुद नहीं पता, बट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कैसी बनी। पहले आखिरी बार तो अभी मुझे नाश्ता खाना है, उसके बाद ही बनाऊंगी बाद में। मम्मी की ये बात बहुत अच्छी है, मम्मी ना यहाँ से मटेरियल काटने के बाद पूरा झाड़ू भी खुद ही लगा देती है। तो मैंने स्पेशल मम्मी को बुलाया किचन में मुझे बताने के लिए, क्योंकि ये रेसिपी भी मम्मी की है। मम्मी पहले क्या करना है बोलो, पहले मम्मी नाश्ता खा ले। पहले दूधी को कद्दूकस कर लो, बेसन में कद्दूकस करके भजिया बना ले। पकौड़ा मैंने तेल रख दिया है, नहीं मम्मी बोलती फोन मत फेंक देना बीच में, नहीं फेंक देना, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। क्या पकौड़े बनाना? जीरा और जीरा, नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फाइनली मेरी दूधी तो कद्दूकस हो चुकी है, तो अभी इसके पकौड़े बना लेते हैं। मेरा बेसन का बैटर तो कुछ ऐसा दिख रहा है और मेरे कोफ्ते इस तरह फ्राई होते जा रहे हैं। कलर बहुत मस्त है, सच में बहुत मस्त है, सच में लगता है बहुत अच्छे, बड़े बहुत अच्छे बनने वाले हैं। बोल रहे होंगे पतीला इतना बड़ा, बीच में बैटर सिर्फ इतना साइज, जितना मेरी दूधी, हमारे पास दूधी थी 6 बट खराब निकली, 3 से 3 ही निकली और 3 का बैटर बनाना पड़ा ना फिर, इसके लिए चलेगा कम कम खा लेते। तो मैं ना इस तरफ कोफ्ते बना रही थी, उस तरफ मेरा वो पार्सल आ गया जो मैंने कल ही ऑर्डर किया है, मेरा चॉपर ये रहा। और ये मैं और मम्मी पता मार्केट से लेके आए थे, तो 2 महीने में टूट गया, ये ऑनलाइन उससे सस्ता पड़ा और उससे बड़ा है कितना, देखो दे तो ये रहा। और इसके अंदर ये लस्सी वाला निकाल, ये लस्सी, आपको लस्सी बनानी हो तो इसके साथ बना सकते हैं। और ये कटर सिर्फ कटर, मजा आ गया यार, पकड़, बहुत तेज है, तीखा है बहुत। और सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें मिली, सिर्फ और सिर्फ मान्य 400 रुपए में, ऑनलाइन चीज। हाँ ऑनलाइन चीज सच में सस्ती है। थैंक यू भैया, भैया थैंक यू भैया, उस रूम में बैठे हुए हैं, नहीं लिखा है 400 रुपए का नहीं लिखा है। और वो जो मैं और मम्मी लेकर आए थे, ये हमारे यहाँ पर मार्केट है कुबेर नगर, 600 रुपए का आया था ना, छोटा था, 450। हाँ छोटा था वो, तो कितना सारा मैं दिखाऊंगी आपको, बट अभी पता नहीं कहाँ पर है मेरे साथ ना, उसके पीछे मैंने कहा सब्जी वब्जी निकाली वो फ्रिज में पड़ा हुआ, तो धोकर दिखाऊंगी, ये तो उससे बहुत बड़ा है। मजा आ गया, आज से रोज लाख को लस्सी बनेगी, भैया लस्सी को बोलते रहते, मुझे इतना कंटाला आ जाता है बनाने के लिए, अभी तो चॉपर के साथ बना देंगे लस्सी भी। अभी इसने सुबह से कुछ खाने को तो दिया है, अभी मैंने बोला कि तरबूज दे दी तो ना धो ले, फिर मम्मी को ले जाना तो हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी के 2 दिन से कोई दवाई खा रही है ना, तब रिएक्शन निकल रहा है जहाँ इंजेक्शन मारा था ना, तो इसलिए आज दिखा के आएंगे। मम्मी बोल रही है भैया ले जाए तो अच्छा है, किराया बचेगा, तो भैया से बात करके बोलते हैं। अभी ये मम्मी और भैया जा रहे हैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके, क्योंकि भैया बोले फालतू में खर्चा क्यों करने का, मतलब ऑटो वाले भैया भी लेट हो रहे थे। और आज इसने ये मतलब सालवार ड्रेस पहनी है, और पहले पता है इसके, देखो बाहर ये ना, ये इधर आ, इधर रोशनी है, ये ना लूज थी, अब टाइट हो गई, मतलब ये वापस से थोड़ी मोटी हो गई है, और बोल रही मैं फिट हो गई हूँ। कुछ तारीफ में बोलना चाहेगी, कैसी लग रही ड्रेस आज, मैंने कितने दिन बाद पूरी ऐसी ड्रेस पहनी है, मतलब पूरी पंजाबन बनी है, अच्छी है, लिपस्टिक तो लगा ले थोड़ी, तेरे को कंफर्टेबल लगे, मुंह बहुत बकवास लग रहा है, लिपस्टिक थोड़ी डार्क लगा लेती। मम्मी हॉस्पिटल जा रही है बालियां वगैरह पहन के, वैसे कभी पहनी नहीं और बालियां पहन के जा रही है हॉस्पिटल से, वो रिएक्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ वैसे जरूरत नहीं थी, हाँ मतलब पता तो चले कि मैम ने कुछ इंजेक्शन में हो गया, कि मम्मी रोज मॉर्निंग में गोली खाती है ना, उसकी वजह से मम्मी को रोज ऐसे रैशेज होता रहता है, हो जाता है लाल, तो वो पूरा बता रहे हैं। ना कर मिट्टी बोलना चाहेगी मम्मी कुछ, आज जाके आके बताएंगे, ठीक क्या बोलते हैं, घूमने थोड़ी ना जा रही है मम्मी, घूमने कौन जाता है हॉस्पिटल को, खुशी से जाता है।
बेचारे अभी तैयार हो रहे थे, सारा सारा धनिया नीचे गिर गया। धनिया हरा हरा धनिया, हाय हा दीदी मजा आ गया, फिर से धोना पड़ेगा अभी दीदी और खाने को दीदी और जल्दी का काम शैतान का। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. तो भैया अपनी पेट पूजा कर रहे हैं क्योंकि भैया ने दोपहर से कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय का कप पिया। मैंने बोला खाना खा लो, भैया बोले आके खाऊंगा चावल और दाल, तो भैया बोले केला लेने ना, तो भैया ने केले खा के चले। हमें लगा भैया के साथ जा रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, पर मम्मी भैया के साथ तो रिक्शा वाले अंकल से भी लेट हो गया। नहीं हो गया निकल कर टाइम लगा, लड़कियां नहीं लड़के टाइम लगाते, मेरे तो भैया बहुत टाइम लगाते, मैं नहीं लगाती टाइम। निकल जाओ भैया, चलाते चलाते खा लेना। फटाफट से चेकअप करा लेते हैं, वैसे आज हम लेट हो चुके हैं, वैसे मम्मी आज भी लेट हो चुके हैं ना। हाई लाली लॉक करो बंद है। नॉर्मली निकली, और डॉक्टर बोलते हैं किसी गोली का ही इन्फेक्शन निकल आई, मतलब उसके रिएक्शन हो गया था गोली का, तो डॉक्टर ने कंपनी चेंज करके दे दी हमें। तो बस बाकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, शुगर भी चेक कराए, शुगर भी ठीक है, थायराइड भी ठीक है। और मम्मी क्या चेक किया तेरे वो बाह पे लगा कर? बीपी भी ठीक है, शुगर की नहीं आई थी, शुगर की गोली ना। तो बस हम लोग घर पे आ चुके हैं आज, और आज इस लड़की ने बहुत कम लिवेड खत्म किया है, कुछ खा नहीं बट थोड़ा तो किया ही होगा, 100 तो है ही ना, बस 100 ही बनाए हैं, कोई बात नहीं। कि BCA ये भी बना लिया, तो भी बनाती पहले पीते हैं गरम गरम है, पीते हैं चाय। तो आकर जबरदस्त भूख लगी थी, मैंने आकर कोफ्ते की सब्जी और चावल खाए, सच बात बताते मजा आ गया, कभी नहीं खाई। भैया क्या रिपोर्ट है? सच में ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसा फील किया मैंने जैसे मैंने चावल के बीच में चिकन डाल के खा रही हूँ, इतना मस्त फ्लेवर। जो दूधी के तुझे अच्छा नहीं लगा, तेली भी रोटी उतार के गई थी मैं, चावल देना, चावल दे देती हूँ, बहुत टेस्टी है सच में। मम्मी तो आज मेरी तरफ से पास है, पास है, पास है। आप भी बता सकते मम्मी ने आज तक हमें कभी नहीं कुछ सब्जी खाई, यही लड़की बना के देती है। मम्मी पता क्या खिलाती थी? टमाटर की सब्जी, दही की सब्जी, ये सब्जी खिलाती थी, बस हट में कोफ्ते की सब्जी, बहुत मस्त है। तो जी हमारा काम हो चुका है, ये बच्चे आ चुके हैं वॉक करके, और अभी भैया जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ आज वापस से नाइट आउट मारने। हमें तो भैया लेके नहीं गए, बोले कि हमारे पास टाइम नहीं होता सैटरडे को, अपने फ्रेंड के साथ तो जा रहे हैं, आएंगे 2-3 बजे, तब तक हम वीडियो बनाएंगे, मैं नहाऊंगी। ए वो फ्रिज के पानी में तो नहीं बैठा है सुअर का बच्चा? रोरा सुअर का बच्चा, पता नहीं कहाँ से जीवरा तोड़ के आया, इतना गंदा और मोटा सा, बेटा फेंक इसको बाहर। बेटा खाने लगा क्या कुछ, उठा के फेंक पार इसको, तो खा भी लेगा। तो अभी जैसे मैं नहा के आई हूँ, भैया तो जैसे मैंने आपको बोला था अपने फ्रेंड के साथ चले गए हैं, अभी हम लोग फ्री है, तो मैं दीदी बना लेती हूँ अपनी वीडियो, और खाना तो हम भैया के आने के बाद खाएंगे। तो हमारा सारा काम हो चुका है, मतलब हमने वीडियोस बना लिया, अभी हमने खाना नहीं खाया है आज, क्योंकि हमने बोला खाना बाद में खाते हैं, क्योंकि हमने दोपहर में थोड़ा लेट खाया ना, मतलब शाम का, आपको हमारा दोपहर का पता ही है। तो अभी हम खाना खाएंगे, बन चुका है 3:30, और हमारी वीडियोस वगैरह तो बन चुकी हैं, अभी हमने सब लाइट वगैरह बंद किए हैं, और जैसे हम वीडियोस बनाते हैं तभी लाइट बंद कर देते हैं, नहीं तो आंखों में बहुत चुभती है ना, आंख दर्द होने लग जाते हैं, पर वीडियो बनाना भी हमारा काम है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आपको दिखाने पे आज भी की ये लड़का कैसी बनी थी, आपकी वीक दिखाई दे रही शॉर्ट्स में देख लेना, हम यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स चलाते हैं, हाँ शॉर्ट्स में देख लेना, इंस्टाग्राम पर भी जाके देख सकते हैं, फॉलो भी करें जाके। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। और मेरी कोफ्ते की सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना, और बहुत टेस्टी थी सच में, मुझे बहुत मजा आया, 10/10। और आपको मैं मम्मी से प्रोवाइड करवा देती हूँ, पीटर और मम्मी उधर ही हैं।
मम्मी अभी तक टीवी देख रही है। मम्मी बाय कहते बाय। क्या है तुम्हें मुझे तंग करने आ जाती हो? हिटलर से भी मिला रहे थे अभी। चल ये तू ए ए तू रॉक बाय कह दो। खा खा हड्डी की पड़ी है इसको तो।